जर्मन शेफर्ड वर्सेस बॉर्डर कॉली, विच वन टू चूज? जर्मन शेफर्ड और बॉर्डर कॉली, दोस्तों ये दोनों ही काफी इंटरेस्टिंग ब्रीड है। मेरा पर्सनली फेवरेट जर्मन शेफर्ड है एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस ब्रीड के साथ बहुत अच्छा है। बट बॉर्डर कॉली की भी अपनी खूबियां हैं जो हार्डकोर डॉग लवर्स के आइज को डेफिनेटली अट्रैक्ट करेंगी। दोनों ही कमाल की ब्रीड्स हैं। अब इस बात पर आ जाते हैं कि कौन सी ब्रीड हमें लेनी चाहिए। ये क्वेश्चन काफी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आज उन्ही फैक्टर्स की बात हम करेंगे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इंडिया का एनवायरनमेंट के हिसाब से कौन सी ब्रीड सूट करेगी। तो ये फैक्टर्स पर ध्यान विचार करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ब्रीड लेना चाहिए और कौन सा नहीं। अगेन, इट ऑल कम्स टू कि आप कितना मैनेज कर सकते हो डॉग को अपने पास। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज ब्रीड हिस्ट्री। दोनों ही ब्रीड्स की हिस्ट्री काफी दिलचस्प है। बॉर्डर कॉली अपने जीन से ही एक हर्डिंग डॉग है। इनका जिक्र वल्किंग से लेकर रोमन एम्पायर की कहानियों तक किया गया है। इस ब्रीड के डॉग्स को वर्ल्ड के सबसे स्मार्टेस्ट डॉग माने जाते हैं और ये इनकी ट्रेनेबिलिटी से भी साफ जाहिर होता है। जर्मन शेफर्ड भी एक हर्डिंग डॉग है। नाम से ही पता चल जाएगा कि इनकी ऑरिजिन जर्मनी 19th सेंचुरी में हुई। इनकी ब्रीडिंग की शुरुआत मैक्स वॉन स्टेफहेंटिस नामक एक सोल्जर ने की थी। सेकंड वन इज फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस में दोनों ब्रीड को कंपेयर करना इजी है। जर्मन शेफर्ड बॉर्डर कॉली से लंबा और ज्यादा वजनी होता है। इनकी हाइट मेल्स में 25 इंचेस और फीमेल्स में 23 इंचेस तक जा सकती है। एक फुल ग्राउंड जर्मन शेफर्ड का वेट 28 से 36 केजी तक जा सकता है। वही बात करें बॉर्डर कॉली की, तो मेल्स में बॉर्डर कॉली की 20 से लेकर 22 इंचेस और फीमेल्स में 18 से लेकर 20 तक जा सकती है। ये थोड़े लाइट वेट होते हैं। इनका वजन 15 से लेकर 25 किलोग्राम तक जा सकता है। इंडिया में आपको मोस्टली जर्मन शेफर्ड व्हाइट, ब्लैक और ब्लैक एंड टैन कलर में दिख जाएंगे। वहीं बॉर्डर कॉली देखा जाए तो ये इंडिया में इतनी नजर नहीं आएंगे, बिकॉज ये मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में सब पेट रखे जाते हैं। एनीवेज, इंडिया में मोस्टली डॉग शोज में आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लू एंड व्हाइट या चॉकलेट एंड व्हाइट भी कलर्स में दिख जाएंगे। अब आते हैं ट्रेनिंग एबिलिटीज पे। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों ही ब्रीड्स बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉर्डर कॉली तो दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट डॉग माना जाता है, बट जर्मन शेफर्ड भी उसी लिस्ट में ज्यादा नीचे नहीं है। आई मीन, देयर इज अ रीजन कि पुलिस और मिलिट्री वर्क के लिए जर्मन शेफर्ड ब्रीड को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। सो कह सकते हैं कि दोनों ही डॉग्स इजीली ट्रेनेबल हैं। हाँ, पर ये इंडिविजुअल इंस्ट्रक्टर पर भी डिपेंड करता है कि डॉग किस एनवायरमेंट में रह रहा है। थर्ड वन इज सोशलाइजिंग एबिलिटीज। जब भी हम शहर में कोई डॉग पालते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है कितना एनर्जेटिक डॉग है, कहीं किसी को काट ना ले या फिर दिन भर भौंकता रहा तो। एंड ऑल्सो आसपास वाले नेबर को दिक्कत हो सकती है ना। वी अंडरस्टैंड कि ये बातें जानना बहुत जरूरी भी है। देखिए, दोनों ही ब्रीड्स को सोशलाइज होने में टाइम तो लगता है, पर ये इस पर भी डिपेंड करता है कि वो किस एनवायरमेंट में रह रहे हैं। आई मीन, इंडिविजुअल डॉग पर डिपेंड करता है, इंस्टेड की ब्रीड पर। वैसे तो दोनों ही ब्रीड स्मार्ट एंड फ्रेंडली है। एक्चुअली देखे तो बोथ द ब्रीड्स आर किड्स फ्रेंडली, बट ये आप पर भी डिपेंड करता है कि आप उसे कितना प्यार देते हो। कभी उसको ज्यादा बांध कर तो नहीं रख रहे या बेवजह उसको डरा तो नहीं रहे, तो डॉग भी उसी तरह का एनवायरनमेंट अडॉप्ट करेगा और उसी तरह से बिहेव करेगा। बाकी हाँ, देखा जाए तो जर्मन शेफर्ड को हम अपार्टमेंट में रख सकते हैं, बट कीप दिस इन माइंड, उनको अच्छा वॉक, एक्सरसाइज एंड प्ले टाइम मिले। बॉर्डर कॉली को ज्यादा स्पेस चाहिए कंपैरेटिवली, बिकॉज बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको भी उसके पेस को मैच करना होगा। फोर्थ इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर हम दोनों ही डॉग ब्रीड का एनर्जी लेवल देखें तो हम आग बंद करके मान लेंगे कि ये हेल्दी डॉग्स हैं, और ये बात सच भी है। बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, तो टिपिकली जर्मन शेफर्ड 7 से 10 साल तक जीता है, इन रेयर केसेस 14 साल तक भी। यहाँ बॉर्डर कॉलीज की लाइफ स्पैन थोड़ी ज्यादा है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 12 से 15 साल तक की है। बाकी ये सब उनकी लाइफस्टाइल पर भी डिपेंड करता है कि उनको एक्सरसाइज करने को मिल रही है या नहीं, न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं। नेक्स्ट इज केयर टिप्स। दोनों ही ब्रीड्स प्रॉपर केयर मांगते हैं। इनको प्रॉपर वॉक पर ले जाना, प्ले टाइम देना, एक्सरसाइज करवाना, प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट देना एंड रेगुलर ग्रूमिंग करवाना बहुत जरूरी है। जर्मन शेफर्ड का हैवी कोट होने के कारण थोड़ा रेगुलर ग्रूमिंग विजिट पर ले जाना पड़ सकता है। बॉर्डर कॉली के भी हैवी शेडिंग पीरियड होते हैं, तो रेगुलर ब्रशिंग इन्हें भी चाहिए। दोनों ही ब्रीड्स में सेपरेशन एंजाइटी काफी ज्यादा दिख सकती है, मींस कि ये अकेला रहना नहीं पसंद करते। बाकी तो दोनों ही काफी अच्छे गार्ड डॉग्स हैं। फॉर्चुनेटली आपको ये जानकर खुशी होगी कि दोनों ही डॉग्स इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से सूटेबल है, बट हाँ, एक्सट्रीम वेदर में भी इनका ध्यान रखना जरूरी है, बिकॉज ये दोनों ज्यादा गर्मी या ज्यादा ठंड नहीं बर्दाश्त कर सकते। नेक्स्ट इज प्राइजिंग। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो आती है वो आती है प्राइजिंग की। तो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जर्मन शेफर्ड कॉमनली अवेलेबल है इंडिया में, तो ये आपको 15,000 से 30,000 रुपए में मिल जाएगा। वही इम्पोर्टेड हाई क्वालिटी बॉर्डर कॉली थोड़ा एक्सपेंसिव रेंज में होंगे। इनकी रेंज
25,000 रुपए से ऊपर तक जा सकती है। बाकी प्राइसिंग तो सिटी टू सिटी और स्टेट टू स्टेट पर डिपेंड करता है और इंडिविजुअल ब्रीडर पर भी। तो आखिर में आते हैं वर्डिक्ट पे। तो दोनों ही ब्रीड्स कमाल की हैं, दोनों ही स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है और सोशलेबल है। दोनों ही ब्रीड्स को अच्छी खासी केयर और प्यार की जरूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, दोनों ही इंडियन क्लाइमेट में रह सकते हैं। एटलीस्ट इन दोनों में से किसी को अडॉप्ट करके हम बेजुबान पर क्रुएल्टी तो नहीं कर रहे। बाकी इन द एंड ये आप पर है कि आप कितना टाइम दे सकते हो एक डॉग के लिए, कितना बजट है आपका और किस पर्पस के लिए आप डॉग को खरीद रहे हो। तो दिए गए फैक्टर्स पर विचार करें और खुद डिसाइड करें कि कौन सा ब्रीड आपको सूट करता है। बाकी अपने सजेशंस, क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स पर शेयर करें। आई विल लव टू एंटरटेन ऑल योर क्वेरीज। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग।